अभी आपने सुना उषा उत्थुप का एक रॉक पॉप सॉन्ग, क्वीन ऑफ पॉप, मतलब कि उषा उत्थुप को पॉप सिंगर सिंगिंग में क्वीन कहा जाता है। इसी तरह की और भी श्रेणियां हैं जो कि भारतीय संगीत में आती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज आधुनिक संगीत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्चना सिंह और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल स्टडी UPPCS UPSC मेंस के पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, जिसमें हम लोग कर रहे थे भारतीय संगीत। तो आज इसका हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं जिसमें हमने प्राचीन काल में भारतीय संगीत कैसा था और मध्य काल में कैसा था, और आज हम बात करेंगे आधुनिक काल में संगीत कैसा है। तो आज के लेक्चर में ये प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा संगीत का चैप्टर। फिर आगे हम देखेंगे कि गीत में और भी जो भी कैटेगरीज हैं कला के रूप में, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर्स में। तो जो व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे UPPSC मेंस और UPSC मेंस से रिलेटेड सीरीज़ लाई जा रही है जो कि पूरे यूट्यूब में हिंदी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने ये देखा था संगीत के बारे में, जिसमें से गण संगीत रह गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने किया था लास्ट टाइम। तो इसमें हमने सुगम संगीत कर लिया था, रविंद्र संगीत कर लिया था, हवेली संगीत कर लिया था, एक रह गया था गण संगीत जो कि शास्त्रीय और लोक संगीत समागम का था हिस्सा था। तो गण संगीत के बारे में बात करेंगे, इसके बाद देखेंगे आधुनिक जो रॉक संगीत है, आधुनिक संगीत है उसमें रॉक संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत, ट्रांस संगीत, जैज संगीत और साइकेडेलिक संगीत, इसमें सब नहीं करना है, जो इम्पॉर्टेंट है जैसे रॉक संगीत, पॉप संगीत, जैज संगीत, ट्रांस संगीत, ये सब मैं कराऊंगी। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है आपको। आप आधुनिक संगीत के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे के उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं गण संगीत क्या होता है। तो ये कोरस या समूह में या बड़ी संख्या में गाए जाने वाला फ्यूज़न की रूप है, मतलब कि इसको बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर गाते हैं और ये बहुत इजी टाइप में का गीत होता है। गण संगीत जो है सबसे सामान्य रूप देशभक्ति की भावना के विषय में मिलता है। इसमें सामान्यतः सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि गरीबी हो गई या फिर दहेज प्रथा के ऊपर हो गया जाति प्रथा के ऊपर, इनके ऊपर कोई अगर संदेश देने वाला संगीत होता है तो वो होता है गण संगीत। जैसे कि महिलाओं और बच्चों का शोषण रोकने के लिए लोगों से आग्रह करना, ये जो श्रेणी है ये गण संगीत के अंदर आएगी। गण संगीत के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से हमारा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जो कि राष्ट्र की प्रशंसा में है। तो आप अगर गण संगीत का एग्जाम्पल देंगे तो देंगे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। चलिए आधुनिक संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। तो आजकल के जो संगीत है जो ब्रिटिश काल बाद 1950 के करीब विकसित हुआ था उसे आधुनिक संगीत का नाम कहेंगे और आज तक वो चला आ रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, श्रेणी हैं, जिससे सबसे पहले हम बात करेंगे रॉक संगीत की, जिसे रॉक एंड रोल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये संगीत की एक लोकप्रिय शैली है आधुनिक संगीत की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1940-1950 के दशकों में मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी संगीत परंपराओं से जन्मी थी और फिर दुनिया भर में ये लोकप्रिय हो गई। इस शैली में ताल की अहम भूमिका होती है जो आमतौर पर ड्रम के प्रयोग से दी जाती है, मतलब इसमें ड्रम का मेन रोल अदा होता है। आप लोगों ने रॉक संगीत के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉन्ग भी देखे होंगे और रॉक संगीत देखा भी होगा, तो आपको उससे इसे रिलेट करके फिर अपना आंसर जरूर लिखिएगा। इसके ऊपर एक या एक से अधिक गिटार की धुनें बजाई जाती हैं और गायक गाना गाते हैं। भारत में पहले लोक गायकों में से उषा उत्थुप हैं, उन्होंने कई भारतीय मूल के गीतों और पश्चिमी शास्त्रीय लोकगीतों में कुछ प्रसिद्ध कवरों की रचना भी की है। तो उषा तो पॉप गायक भी हैं, रॉक गायक भी हैं, तो ये दोनों से मिला जुला रूप है। उन्हें क्वीन ऑफ पॉप भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ रॉक भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं पॉप म्यूजिक या पॉप संगीत की। पॉप जो संगीत है ये मूलतः शब्द पॉपुलर से निकला हुआ शब्द है, जैसे कि आप जानते हैं पॉप माने पॉपुलर, इससे निकला ये वर्ड है।
और ये आमतौर पर युवाओं के बाजार के अनुकूल और व्यावसायिक तौर पर रिकॉर्ड किए गए संगीत के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें आजकल के जैसे युवाओं को गाने पसंद है उस हिसाब से इसमें गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसे व्यावसायिक तौर पर यूज़ किया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत छोटे और साधारण गाने शामिल होते हैं और नवीन तकनीकों का इस्तेमाल कर मौजूदा धुनों को नए तरीके से पेश किया जाता है। पॉप म्यूजिक में लोकप्रिय संगीत के अधिकांश रूपों के प्रभाव को देखा जा सकता है, लेकिन एक शैली के तौर पर यह विशेष रूप से रॉक एंड रोल और रॉक स्टाइल के बाद के रूपों से संबंधित है। अब हैच और मिलवर्ड ने पॉप म्यूजिक को एक डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन है एक ऐसे संगीत के तौर पर परिभाषित किया है जो लोकप्रिय जैज और लोक संगीतों से भिन्न होता है। तो जैज की बात हम आगे करेंगे। तो जो भी लोक संगीत है या फिर शास्त्रीय संगीत है, इससे भिन्न जो संगीत है वो है पॉप संगीत। चलिए पॉप संगीत की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसका मकसद किसी विशेष उप संस्कृति या आदर्शवादी श्रोता के बजाय सामान्य श्रोताओं को आकर्षित करना होता है। मतलब इसका फोकस एक मेन टारगेट ऑडियंस पे नहीं होता, नॉर्मल ऑडियंस को फोकस करना इसका विशेषता होती है। औपचारिक आर्टिस्ट गुणों से ज़्यादा शिल्प कौशल पर जोर इसमें दिया जाता है। लाइव परफॉर्मेंस की तुलना में रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन और तकनीक पर यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रगतिशील विकास से ज़्यादा मौजूदा चलन को दिखाने की कोशिश होती है। मतलब कि यहाँ पे दिखाया जाता है इस संगीत में कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। ज़्यादातर पॉप म्यूजिक नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए होता है या इसमें ऐसे ताल और लय का इस्तेमाल किया जाता है जो नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि कहीं भी पॉप म्यूजिक बजता है तो पैर अपने आप नाचने के लिए थिरकने लगते हैं, तो यही होता है पॉप म्यूजिक का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जैज संगीत की। तो जैज जो होती है एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विधा है जिसकी शुरुआत 19वीं से 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। और इस संगीत विधा में अहम जो इंस्ट्रूमेंट होता है सैक्सोफोन होता है। तो ये आप यहाँ मेन याद रखेंगे कि जब भी जैज का यूज़ किया जाता है सब सैक्सोफोन को लेके यूज़ किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को कहा जाता है, उसने 30 अप्रैल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि इससे जैज संगीत को संरक्षण मिल सकेगा। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के समुदायों, स्कूलों, कलाकारों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और जैज से प्रेरित लोगों को जैज कला और उसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए एक साथ लाने को चुना गया। और इसके द्वारा जैज संगीत आज देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और अपनी मतलब ख्याति फैला रहा है। और ये याद रखेंगे कि 30 अप्रैल 2011 को अगर ये फैक्ट डाल देते हैं जैज संगीत में तो आपके मार्क्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साइकेडेलिक कला और संगीत। ये कला भी होती है संगीत भी होती है। जैसे कि साइकेडेलिक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ मैं नीचे से शुरू करती हूँ। साइकेडेलिक शब्द प्राचीन यूनानी शब्द मनो मतलब कि मन से, साइकोलॉजी आपने सुना होगा, तो साइकोलॉजी का मन मतलब होता है मन का विज्ञान। इसी तरह साइकेडेलिक का मतलब होता है मन को प्रकट करने वाला, मतलब कि साइको मतलब आत्मा मन और डेलियन इसका मतलब होता है प्रकट करने वाला, तो आत्मा को प्रकट करने वाला ही इसका मेन उद्देश्य होगा। इस साइकोडेलिक म्यूजिक का मतलब होता है ये एक दवा के रूप में काम करता है। अगर मैं ओवरऑल ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है ये तो बुकिश लैंग्वेज लिखी है, इसको आप अपने आप पढ़ के और समझ लेना। मैं आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म समझा देती हूँ कि साइकोडेलिक संगीत का मतलब ये होता है कि ऐसा संगीत जिसको हम किसी बीमारी में एज ए दवा के रूप में यूज़ करेंगे उसे साइकेडेलिक संगीत या फिर इसे ट्रांस संगीत भी कहा जाता है। इसके उपयोग से नॉर्मल बीमारियों को, जैसे आपने सुना ही होगा कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ धुनों को सुना जाता है या फिर कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है, तो नॉर्मल उसे ही साइकेडेलिक संगीत की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये आपको खूब समझ में आ गया होगा कि साइकेडेलिक संगीत क्या होता है। बाकी ये जो पूरा पॉइंट है ये आप पढ़ के इसे अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम
अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया था संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार के, क्योंकि जब हम संगीत के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम संगीत के वाद्य यंत्रों को छोड़ दें। यहाँ पर वाद्य यंत्र बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो जब भी संगीत बजाते हैं तो साथ में इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है वाद्य यंत्रों को। तो सबसे पहला होता है तत् वाद्य यंत्र। तत् जैसे कि मैं इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आई हूँ, तत् वाद्य यंत्र मतलब तार युक्त वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार का यूज होता है उसे तत् वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे कि सितार, एकतारा, वीणा, कामायचा, सारंगी इत्यादि, ये होते हैं तत् वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुशिर वाद्य यंत्र। शुशिर का मतलब होता है हवा द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र। शुशिर माने हवा, हवा द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, पुंगी इत्यादि। नेक्स्ट है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद मतलब चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र, जिसके ऊपर चमड़ा चढ़ाकर और फिर उसे बनाया जाता है, जैसे कि ढोल, नगाड़ा, चंगडफ इत्यादि। और लास्ट है फोर्थ जो है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मतलब होता है धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चिमटा, खड़ताल, मंजीरा इत्यादि। तो ये सारे वाद्य यंत्र हैं, ये भारतीय श्रेणी में मैंने बताए हैं आपको, जो भारत में मोस्टली यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में आधुनिक काल से प्राचीन काल तक के कला के प्रारूप। तो भारतीय संगीत, भारतीय वाद्य यंत्र की ही यहाँ बात की जाएगी। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ हमारा संगीत का टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद गीत का और जो भी कला के स्वरूप बचे हैं हमारा, वो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इस लेक्चर को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो भी यहाँ पर वीडियोस लेकर आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।